स्टार प्लस के पॉपुलर शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स जारी हैं। वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप देखते हैं कि अमन और अंजलि के लिए अब काफी चैलेंजिंग समय आ चुका है। जी हां, शो में जहां आप देखते हैं कि अमन और अंजलि समय अपनी जिंदगी में काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब अंजलि पद्मा के केस को छोड़ने को सोचती है क्योंकि वह अब उसके फैमिली को और भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। लेकिन वहीं आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब अमन अंजलि को केस लड़ने के लिए उत्साहित करता है और वह अभी भी उसके साथ खड़ा है। और यहाँ रमेश अमन को राघव के बेटे के रूप में पहचानता है। शो में आगे आप देखते हैं कि रमेश अमन से अंजलि के प्रति उसके प्यार के बारे में सवाल करता है और उसे याद दिलाता है कि वह राघव का बेटा है और इसलिए वह अंजलि के साथ नाटक कर रहा होगा। हालांकि अमन ये कसम खाता है कि वह अंजलि से प्यार करता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं शो में आगे और भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां आप देखते हैं जब रमेश को यह बात पता चलेगी तो आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी। क्या अमन सच में अंजलि से प्यार करता है या उसके साथ दोस्ती करने के पीछे उसकी कोई योजना है। जी हां, वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। फॉर लेटेस्ट टीवी न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेली नेटवर्क।